जो माफिया लोग हैं, जंगल राज वालों के साथ गया है, वही संस्कार वो ग्रहण करेंगे। और ये जंगल राज वाले लोग हमेशा बिहारी को लज्जित करते हैं। बिहारी को लज्जित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार, रुपीश कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से मुकेश सहनी पे हमला बोला है। आपको बता दें, मुकेश सहनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को हिजड़ा बताते हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। प्रधानमंत्री को हिजड़ा बताने वाले मुकेश सहनी की अब केंद्र सरकार ने वाई प्लस की जो सुरक्षा था उसे वापस ले लिया है। लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग गुंडा राज को, जंगल राज को गुंडा राज में स्थापित कर रहे हैं और जिस गठबंधन में, उसी तरह की लोग मानसिकता है। बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री को, इस तरह के बोलने वाले को बर्दाश्त कतई नहीं करेगी। वहीं पे रामा सिंह, जो कि आरजेडी को छोड़ चुके हैं, आज उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर भी कहा है कि अब आरजेडी की जो नैया है वो डूबती हुई दिख रही है। क्या कुछ करें बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, पहले अपन के बयानों को सुने। आज मुकेश सहनी ने आपके अपने प्रधानमंत्री जी को हिजड़ा बताया है। ठीक है सर, जो माफिया लोग हैं, जंगल राज वालों के साथ गया है, वही संस्कार वो ग्रहण करेंगे। और ये जंगल राज वाले लोग हमेशा बिहारी को लज्जित करते हैं। बिहारी को लज्जित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इनसे बिहार को मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि बिहार के जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले की जो जमात बनी है, बिहार की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जो उनका दामन छोड़े, आज रामा सिंह जी जो इस्तीफा दे दिया आरजेडी से। राजद आरजेडी डूबने वाली नाव है और चुनाव के बाद जीरो पर आउट होगा। लालू परिवार की जमींदारी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी और 2025 में वो 25 सीट भी पार नहीं करेगा, ये जनता तय कर चुकी है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि आरजेडी को लेकर विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि अब आरजेडी की नैया डूब चुकी है और ये लोग हैं जो कि जंगल राज को गुंडा राज में स्थापित करना चाहते हैं। और इस तरह की भाषा जो मुकेश सहनी का है, इसकी इस भाषा को बिहार और देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बराज करो इतना ही, इसी तरह तमाम खुलकर में सब बने रहे हैं, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।